हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। चेहरे के साथ साथ अपने हाथों की केयर करनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी की ज्यादा मार हमारे हाथ झेलते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों का जो मॉइस्चर होता है ना, वो कहीं पर खो जाता है और स्किन ड्राई होकर काली पड़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन को इवन करने के लिए, स्किन में मॉइस्चर को वापस लाने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए एंड स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए आप इस DIY रेमेडी का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है ग्लिसरीन, जो कि स्किन को रिपेयर करने में, मॉइस्चर को वापस लाकर स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में, स्किन को हाइड्रेट करने में एंड ग्लो प्रोवाइड करने में एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। तो एक चम्मच आपने यहाँ पर ग्लिसरीन ले लिया। अब एक चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल का भरकर डाल देना है। मैं यहाँ मार्केट वाला यूज कर रही हूँ, आप भी मार्केट वाला ही यूज कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट आपने इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब रोज वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आई डोंट थिंक आपको रोज वाटर के बारे में बताने की जरूरत होगी, क्योंकि सभी को पता है कि रोज वाटर हमारी स्किन को सुपर क्लियर, सुपर ब्राइट, सुपर हाइड्रेट एंड सुपर ग्लोइंग बनाता है। तो आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके स्टोर कर लेना है, और जब भी आप इसे अप्लाई करें, आपने इसे अपनी हथेली पर इस तरह से लेना है और इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन जूस की ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने हाथों पैरों पर अप्लाई कर लेना है। आप इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अपने फेस की खूबसूरती को भी और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। गाइज, मैंने लेमन जूस बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि जो ये रेमेडी है लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। तो आप इसे इस तरह से मसाज करते हुए अप्लाई करें, ओवरनाइट रखें एंड नेक्स्ट डे उठकर वॉश कर लें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले अच्छी रेमेडीज मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।